नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी क्लास 10th के बाद कक्षा 11वीं में बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं? और आप जानना चाहते हैं कि कक्षा 11वीं में बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने के बाद आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे? तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बायोलॉजी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं बायोलॉजी कक्षा 11वीं में अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि अगर आप कक्षा 11वीं में बायोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं, यानी कि आप अपनी जो फील्ड चुन रहे हैं वो है आपकी मेडिकल फील्ड, यानी कि आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, इसलिए आप कक्षा 11वीं में आप क्या है बायोलॉजी सब्जेक्ट ले रहे हैं। अब दोस्तों, हम अपने मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आपको बायोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो दोस्तों, बायोलॉजी में आपको ओनली 5 सब्जेक्ट ही पढ़ने होंगे, तो वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना होगा दोस्तों, वो आपका रहेगा हिंदी। ठीक है दोस्तों, पहला सब्जेक्ट आपका रहेगा हिंदी, ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट रहेगा आपका इंग्लिश। दोस्तों, ये दोनों सब्जेक्ट सभी, अगर कोई भी आप स्ट्रीम लेते हैं, ये दो सब्जेक्ट कॉमन ही रहते हैं, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर बायोलॉजी लेते हैं तो आपका जो तीसरा सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, वो बायोलॉजी ही रहेगा, ठीक है, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा, जिसे हम बायो बोलते हैं, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है। और दोस्तों, आपका चौथा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा फिजिक्स, ठीक है, चौथा सब्जेक्ट रहेगा आपका फिजिक्स, और पाँचवा सब्जेक्ट दोस्तों आपका रहेगा केमिस्ट्री। यानी कि दोस्तों, आपको इन 5 सब्जेक्टों को पढ़ना होगा। पहला दोस्तों सब्जेक्ट आपका रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, पहला हिंदी रहेगा, दूसरा इंग्लिश रहेगा, तीसरा बायोलॉजी रहेगा, चौथा फिजिक्स रहेगा, ठीक है, और केमिस्ट्री रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन 5 सब्जेक्टों को अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो इन 5 सब्जेक्टों को दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि आपको अगर बायोलॉजी लेते हैं और आप मैथ लेते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो आपका मेन सब्जेक्ट बायो रहता है, और अब मैथ लेते हैं तो आपका मेन सब्जेक्ट मैथ रहता है, बाकी सब्जेक्ट कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। जितने मैंने सब्जेक्ट आपको बायोलॉजी में 5 सब्जेक्ट बताएं सेम रहते हैं, लेकिन अगर आप मैथ लेते हैं तो आपको बायोलॉजी के स्थान पर मैथ आ जाता है, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों, बायोलॉजी को हम अगर शॉर्ट में सब्जेक्ट कहते हैं तो PCB बोलते हैं, ठीक है। अगर आप कभी कभी आपको कोई शब्द देखने को सुनने को मिलेगा PCB, तो दोस्तों PCB का जो मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है, ठीक है, जबकि मैथ को हम शॉर्ट में बोलते हैं PCM, ठीक है, जिसका मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बायोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और मैथ में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। और दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश तो दोनों कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जो कि आपको सभी सब्जेक्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद दोस्तों।